दोस्तों, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा ट्विंकल खन्ना को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भले ही कम फिल्में दी हों, लेकिन इनकी अधिकतर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी, जिसमें इन्होंने अपनी कॉमेडी के साथ साथ अपनी अदायगी और अपने रोमांटिक सीन्स के लिए दर्शकों से खूब तारीफें बटोरी है, जिसके चलते दर्शक इनकी सभी फिल्मों को देखना काफी पसंद करते हैं। वहीं इनके पति अक्षय कुमार भी इनकी सभी फिल्मों को देखना काफी पसंद करते हैं। तो वहीं इनकी चार फिल्में हैं जिन्हें देखना अक्षय कुमार बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो आखिरकार उन फिल्मों में से ऐसी क्या वजह रही है जो अभिनेता अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना की चार फिल्मों को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते, चलिए जानते हैं आज की हमारे इस वीडियो के जरिए। नंबर वन, मेला। अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना की यादगार फिल्म मेला साल 2002 में रिलीज की गई थी। हालांकि फिल्म ने उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कलेक्शन नहीं किया था, लेकिन आज ये फिल्म दर्शकों की फेवरेट फिल्म कही जाती है, जिसमें अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना के अभिनय प्रदर्शन को खूब सराहा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अभिनेता अक्षय कुमार अपनी वाइफ की इस फिल्म को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते, और इसके पीछे की वजह ये है कि अक्षय कुमार नहीं चाहते हैं कि उनकी वाइफ किसी भी फिल्म में रोमांटिक सीन्स फिल्माए। लेकिन फिल्म मेला में ट्विंकल खन्ना को आमिर खान के साथ रोमांटिक सीन करते हुए देखा गया था, और एक यही वजह है कि अक्षय कुमार आज भी इस फिल्म को देखना पसंद नहीं करते हैं। नंबर टू, बरसात। अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना और बॉबी देओल की खूबसूरत जोड़ी हमें फिल्म बरसात में देखने को मिली थी, जिसमें इन दोनों की लव केमिस्ट्री ने फिल्म को सुपर डुपर हिट बना दिया था। लेकिन अभिनेता अक्षय कुमार ने इसके बावजूद भी इस फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, और वो आज भी इस फिल्म को बिल्कुल देखना नहीं चाहते, जिसके पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि अभिनेता बॉबी देओल के भाई सनी देओल है। सनी देओल और अक्षय कुमार एक दूसरे के काफी बड़े दुश्मन हैं, जिनकी ये दुश्मनी फिल्म जिद्दी से शुरू हुई थी, और तभी से लेकर आज तक अक्षय कुमार ना तो सनी देओल की फिल्में देखना पसंद करते हैं और ना ही उनके भाई की। नंबर थ्री, बादशाह। जी हाँ दोस्तों, साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म बादशाह भी ट्विंकल खन्ना की उन्हीं फिल्मों में से एक है, जिसे अभिनेता अक्षय कुमार बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते। दरअसल इसके पीछे की वजह ये है कि जिस वक्त इस फिल्म की शूटिंग हुई थी, उस वक्त अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, और वो चाहते थे कि इन्हें इस फिल्म में ट्विंकल खन्ना के साथ काम करने का मौका मिले, लेकिन अभिनेता शाहरुख खान की वजह से उनके हाथ से ये गोल्डन चांस निकल गया, जिसके बाद से ही अक्षय कुमार इस फिल्म को भी बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते हैं। नंबर फोर, जान। साल 1996 में बड़े पर्दे पर प्रसारित की गई फिल्म जान आज भी दर्शकों की फेवरेट फिल्म बन गई है, जिसमें अभिनेता अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना की लव केमिस्ट्री को खूब सराहा गया है, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई भी की थी। लेकिन इसके बावजूद भी अक्षय कुमार इस फिल्म को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते, और इसके पीछे का रीजन ये है कि अभिनेता अजय देवगन और अक्षय कुमार की दुश्मनी काफी पहले से चली आ रही है। अक्षय कुमार का कहना है कि अजय देवगन ने उनकी कई हिट फिल्मों से डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को कहकर फिल्म से इम्पोर्टेंट सीन कटवा दिए थे, और एक यही रीजन रहा है कि उन्होंने अभी तक सुपरहिट फिल्म जान भी नहीं देखी है। तो दोस्तों, ट्विंकल खन्ना की इन चार फिल्मों में से आपको इनकी कौन से फिल्म पसंद नहीं है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।